दीपिका पादुकोण एयरपोर्ट पर इतनी कमजोर सी नजर आईं कि लोगों को उनकी चिंता होने लगी। दरअसल कल रात ही दीपिका पादुकोण बेंगलुरु से काफी दिनों बाद मुंबई लौटी। इस दौरान दीपिका का चेहरा मुरझाया हुआ था, वो काफी कमजोर सी लग रही थी और उनके चेहरे से वो मुस्कान गायब थी जो हमेशा उनके चेहरे पर रहती थी। पिछले दिनों खबर आई थी कि दीपिका अमिताभ के साथ प्रोजेक्ट के की शूटिंग कर रही थी। इस दौरान उनके बीबी में काफी उतार चढ़ाव हुआ, जिसके बाद उन्हें शूटिंग के बीच में ही डॉक्टर के पास जाना पड़ा। पिछले दिनों दीपिका कोरोना संक्रमित हुई थी। कोरोना से ठीक होने के बाद वो सीधे कांस फेस्टिवल में चली गई थी और वहां से लौटते ही वो शूटिंग करने लगी। उन्हें आराम करने का बिल्कुल वक्त नहीं मिला। शूटिंग के दौरान एक्टर्स पर वैसे भी काफी प्रेशर रहता है, उन्हें 20-20 घंटे तक शूटिंग करनी पड़ती है, लेकिन दीपिका हमेशा से काम को लेकर काफी डेडिकेटेड रही है। कल रात मुंबई से लौटने के बाद आज सुबह 5 बजे ही दीपिका फिर से एयरपोर्ट पर अचानक पहुंची और यहां से अपने नए प्रोजेक्ट के लिए रवाना हो गई। दीपिका पर काम का काफी प्रेशर है और वो प्रेशर उनके चेहरे पर साफ दिखना भी शुरू हो गया है और यही बात दीपिका के फैंस के दिलों की धड़कन बढ़ा रही है। दीपिका को देखकर अब ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ दिन आराम करने की जरूरत है, लेकिन उधर दीपिका है जो आराम करने को बिल्कुल भी राजी नहीं है। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए। अरे थोड़ा पीछे ले, मोबाइल पहला पीछे ले। अरे मैडम जी, अरे थोड़ा पीछे चल रहे, इतना आगे से नहीं मिल रहा है। पीछे देख, 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 पीछे देख। पहला भी फोन पीछे ले, हाँ सब लोग देख ले जी जी। हाँ हाँ, आराम से हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। मोबाइल पीछे ले। अरे अरे भाई, पीछे ध्यान दो, आज पीछे इधर है, इधर इधर गाड़ी इधर है, बारिश आ गई ना। मैम का नहीं, यहाँ पर अपनी गाड़ी मैम, दिस साइड, दिस साइड। जलाल भाई थोड़ा, अरे कपिल थोड़ा बाजू, अरे रात को भी लेने, चलो जाने दो मैडम को, अभी थक जाएंगे मैम।